तो जो एस्पिरेंट्स अभी ऐसे फेज में हैं, क्योंकि प्रीलिम्स आ रहे हैं और बहुत लोग काफी अकेला महसूस कर रहे होंगे, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सी इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, मतलब बिकॉज द एग्जाम इज एज सेड दैट यू हैव टू गो इन आइसोलेशन बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट बीइंग्स. तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको आइसोलेशन में रहना पड़ता है, कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा सोशल होकर मैनेज कर लेते हैं. इट ऑल डिपेंड्स कि पास बैकग्राउंड कैसे है, आपका एजुकेशन कैसा रहा. तो आई ऑलवेज हैड दिस इन माई माइंड कि यार कर रहे हैं, मान लो 2-3 साल प्रिपरेशन करेंगे तो ऐसा नहीं है कि जस्ट इतना सीरियस होकर पढ़ते रहेंगे. तो यू नो मैं अपने गाने चला लेता था, बीच में मूवीज देख लेता था, तो आई हैड माई रिक्रिएशन एक्टिविटीज ऑल्सो. तो ये नहीं है कि जस्ट बोरिंग सी, मतलब पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं पढ़े ही जा रहे हैं. टेक अ ब्रेक ऑफ कपल ऑफ आवर्स, वॉच अ मूवी, फ्रेंड्स का एक एपिसोड चला दिया, कुछ और टीवी सीरीज का एक एपिसोड चला दिया. तो इम्पोर्टेंट इज हाउ वी मैनेज आवर्स ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, बिकॉज देयर विल बी अप्स एंड देयर विल बी डाउन्स ऑल्सो. हर दिन तो मोटिवेशन हाई नहीं होगा, तो जिन दिन आपका मोटिवेशन लो होता है उन दिनों को आप कैसे मैनेज करते हो, दैट दोज आर मोर इम्पोर्टेंट डेज.